नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेज पर। और जैसा कि हम सभी को पता है कि केमिस्ट्री की क्लासेज अब से रेगुलर होती है, वापस बीच में कुछ गैप था, तो आप सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। ओके, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने जैसे कि IUPAC पढ़ लिया है, GOC पढ़ लिया है, ठीक है, अभिकर्मक पढ़ लिए हैं और हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी पढ़ लिया है। लेकिन हाइड्रोकार्बन चैप्टर को जब हमने पढ़ाया है या पढ़ा है तो उसमें काफी सारे डाउट्स आते हैं, और जो बच्चे जैसे कि खासकर हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत आती है। केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर में जो है बेस क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम कुछ और बेसिक टॉपिक्स उनको पहले कवर करते हैं, आफ्टर दैट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं समावयवता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, समावयवता इसका परिभाषा क्या है कि हम जब रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, हमें यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो यौगिक होते हैं इनके दो चीजें होती हैं, कोई भी यौगिक है, ठीक है, कोई भी यौगिक होता है उसके पास दो चीज होती है, एक तो होता है उसका अणुसूत्र और एक होता है उसका अणुभार। क्लियर है, कोई भी यौगिक है, यौगिक बोले तो जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि CH3 या CH3 एथेन ले लिया हमने, ठीक है, ये क्या है, एथेन है जो एक यौगिक है, ठीक है। अब कोई भी यौगिक जो होता है उसका अणुसूत्र होता है और उसका अणुभार होता है। अब समावयवता क्या होती है, हमारा आज का टॉपिक है समावयवता। तो समावयवता का मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक कई सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे यौगिक हैं, तो रसायन विज्ञान के अंदर कई सारे यौगिक हैं, उन यौगिकों में ऐसे गुण या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार, ये दोनों चीज तो हैं, अणुसूत्र व अणुभार तो हैं, वो क्या हो जाएंगे, दोनों ही समान हो जाएंगे। अणुसूत्र व अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण की यदि हम बात करते हैं, भौतिक या रासायनिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक। ये जो यौगिक कहलाएगा, ये जो यौगिक कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, समावयवी यौगिक कहलाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं समावयवता, ठीक है, समझ में आया। परिभाषा में आगे रिपीट करता हूं कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार, ठीक है, अणुसूत्र व अणुभार तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उस प्रक्रिया को, उन यौगिकों को हम कहते हैं समावयवी यौगिक। समावयवी यौगिक, और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं समावयवता। क्लियर हो गया, जैसे कि हम काफी सारे इसमें आगे एग्जांपल्स भी हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल हैं, फिर हम इसमें समावयवता के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की समावयवता होती है, वो सारी डिटेल्स में। बट सबसे पहले परिभाषा हमें क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक हैं, यदि उनके अणुसूत्र व अणुभार तो समान है लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो उस प्रक्रिया, उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं तथा उस पूरी प्रक्रिया को हम समावयवता कहते हैं। देसी एग्जाम्पल, अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि कोई भी दो इंसान है, जैसे कि एक मैं हूं और एक मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो अब यहाँ, या फिर ऐसा कीजिए मैं हूं और मेरा भाई है, अब हम दोनों के क्या हो रहे हैं, अणुसूत्र, मतलब हम एक ही पेरेंट्स से हैं, ठीक है, दो भाई हैं कोई भी, और वो एक ही पेरेंट्स से हैं, उनका घर स्थान जो है, जन्म स्थान है, वो एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन उनके गुण अलग है, कैरेक्टर्स अलग अलग हुई हैं, जैसे जुड़वा भाई होते हैं, कैरेक्टर्स उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके बाहर से उनका रंग रूप जो है, उसका शरीर का आकार है वो अलग होता है, और उनके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वो बिलोंग कहां से कर रहे हैं, वो एक स्थान से कर रहे हैं, एक जैसे हैं। तो वही चीज है कि कोई भी दो यौगिक हैं, उनके अणुसूत्र व अणुभार समान होंगे, अणुसूत्र तो समान होगा, मतलब जैसे कि ये है एथेन का सूत्र CH3 समान होगा, लेकिन उनके गुण जो है वो अलग अलग होंगे, मतलब कार्बन की इसमें संख्या कितनी है, दो है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, C2H6 बन रहा है, तो C2H6 रहेगा अणुसूत्र तो, लेकिन उसकी संरचना अलग हो जाएगी या उसमें स्थिति अलग हो जाएगी, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार, परिभाषा क्लियर हो गई। ओके गुड, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है इसके प्रकार के बारे में। पहले हमने समावयवता पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है।
तो समावयवता जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक और त्रिविम समावयवता, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। संरचनात्मक का मतलब क्या होगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। इसमें भी आगे अगेन पांच प्रकार के हैं ये भी, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी है। और दूसरी है हमारी त्रिविम समावयवता, ठीक है। त्रिविम समावयवता क्या होती है कि उनकी थ्री डायमेंशनल प्रकाशिक समावयवता जो है, प्रकाशिक ज्यामितियां जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होती हैं। इसमें भी आगे हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं समावयवता के बारे में, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो समावयवता के प्रकार हमने अभी देखा है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो है सबसे पहले नंबर का कौन सा है? संरचनात्मक, ठीक है। और दूसरे नंबर का कौन सा है? त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो होती है वो अगेन पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार के। देखिए सबसे पहले नंबर का आता है इसमें श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता, फिर है स्थिति, फिर क्रियात्मक, फिर मध्यावयवता, और सबसे पांचवे नंबर की जो होती है 1 2 3 4 सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिफ्थ नंबर की आएगी श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यावयवता और चलावयवता, ठीक है। इस प्रकार से तो ये पांच प्रकार के आप समावयवता इसमें लगा लेना। ये कुल पांच प्रकार की जो संरचनात्मक होती है कौन सी होती है? संरचनात्मक समावयवता। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और रही बात यदि हम त्रिविम समावयवता की बात करते हैं, त्रिविम समावयवता जो है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? प्रकाशिक और ज्यामितीय। प्रकाशिक समावयवता, मैं समावयवता नहीं लिख रहा हूं, आपको आगे लगा लेना है। और दूसरे प्रकार की होती है ज्यामितीय समावयवता, ठीक है, उसमें उसकी ज्यामिति अलग अलग होती है। इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्लियर हो गया। तो ये प्रकार है, हमें कंपटीशन एग्जाम्स की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी संरचनात्मक समावयवता है, कौन सी नहीं है। इसमें जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स हमें याद करने होंगे, मतलब उनको समझना होगा, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुल पांच प्रकार की समावयवता होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता होती है दो प्रकार की, है ना। कुल समावयवता की हम बात करते हैं तो कितनी होती है? मुख्यतः दो है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक देखेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जो किसके बारे में बात करने वाले हैं? श्रृंखला समावयवता के बारे में। चलिए सबसे पहले नंबर की हम आज पढ़ने वाले हैं श्रृंखला समावयवता। देखिए मैंने आपको कहा था कि मेरे पढ़ाने का ट्रिक थोड़ा सा अलग रहता है और आपको भी उससे रूबरू होना है, और कुछ बच्चे रूबरू हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली जो लाइव क्लासेज में हैं। श्रृंखला समावयवता का मतलब क्या है? वैसे थोड़ा सा आपको राइटिंग पे ध्यान देना होगा, गौर से देखनी होगी गाइस, ठीक है। श्रृंखला समावयवता, देखो पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको जानेंगे, लेकिन डेफिनेशन से पहले हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। टॉपिक हेडिंग क्या क्या रहा, इसके शब्द का अर्थ क्या निकलता है? शब्द का अर्थ निकलता है श्रृंखला समावयवता। समावयवता का मतलब हमने क्या पढ़ा वो क्लियर है ना आपका, कि अणुसूत्र व अणुभार तो समान होंगे लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समावयवता कहलाते हैं, ठीक है। और श्रृंखला का मतलब होता है, देखो समावयवता में सीधी सी बात है, जो भी हमने पांच प्रकार की जो समावयवता पढ़ी थी ना, इन पांचों प्रकार की समावयवता में सीधा सा फंडा यह है कि जो उसका नाम है वही उसमें नहीं होगा। क्या है? जो उसका नाम है वही उसमें परिवर्तन होगा या वह नहीं होगा। यहां पर नाम क्या है? श्रृंखला समावयवता। मतलब सीधी सी बात है, जो परिवर्तन आएगा वो किसमें आएगा? उसकी श्रृंखला में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे हम इसकी परिभाषा जो बनेगी क्या बनेगी,
कि ऐसे यौगिक समावयवता लग रहा है तो सेम परिभाषा बनेगी वही समावयवता वाली, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ऐसे समावयवी यौगिक या ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन उनकी श्रृंखला में परिवर्तन आता है, किसमें परिवर्तन आता है, श्रृंखला में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। मैंने क्या कहा था कि समावयवता जो है पांचों प्रकार की समावयवता है, आपको उसमें बस यही याद रखना है कि उसका नाम क्या है, उसी में परिवर्तन आएगा, ठीक है। जैसे अब यहां पर है श्रृंखला समावयवता, तो मतलब उसकी श्रृंखला में परिवर्तन आएगा। भाई यौगिक तो अणुसूत्र, यौगिक तो हमारा समान है ना, समावयवता में यौगिक का जो अणुसूत्र है मतलब उसका जो सूत्र है वह समान रहता है, ठीक है। परिवर्तन जिसमें आएगा उसको उसी का नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यदि श्रृंखला में परिवर्तन आ रहा है तो क्या हो जाएगी, श्रृंखला समावयवता बन जाएगी। चलिए इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ओके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये कोई कार्बनिक यौगिक है CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। कितने इसका यौगिक क्या बन जाएगा, ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन है C4, ठीक है। और कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10, हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। आपको यहाँ पर ट्रिक मैंने बताया था, जब हमने एल्केन चैप्टर पढ़ा था तब बताया था कि हम सूत्र के अनुसार हम कैसे देख सकते हैं कि वो एल्केन एल्कीन एल्काइन है, क्या है। देखो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। कार्बन का जो संख्या है उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है क्या हो रहा है, दुगना प्लस 2 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब कार्बन की जो संख्या CnH क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, तो CnH2n हो रहा है, ठीक है। n का दुगना हो रहा है जस्ट, 4 × 2 = 8, प्लस 2 भी हो रहा है इसमें, तो दुगना प्लस 2 किसमें होता है, एल्केन में होता है, किसमें होता है, एल्केन में होता है। मतलब इससे ये तो साबित हो रहा है, यदि हमें बाय चांस ये श्रृंखला नहीं दी होती, अगर हमें ये सूत्र दिया होता तो हम ये पहचान सकते थे कि दुगना प्लस दोहरा मतलब ये जो सूत्र है वो किसका है, एल्केन की श्रृंखला बनेगी, मतलब इस पूरी श्रृंखला के अंदर एकल बंध ही आएगा, ठीक है। ये कुछ हमें कॉमन पॉइंट्स जो है वो हमें क्लियर कर लेने चाहिए। तो सूत्र के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्कैन है, बोले तो एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। तो इस सूत्र से हमें पता चल रहा है कि ये किसका रूप है, एल्केन का रूप है, मतलब इस पूरी श्रृंखला के अंदर एकल बंध ही आएगा। और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम किस प्रकार से लिखते हैं, एल्केन का, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन की संख्या प्लस अनुलग्न, कितने कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ठीक है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एल्केन है तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। चूंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो हम आगे इसका यौगिक नाम लिखेंगे, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब हम बात कर रहे थे श्रृंखला समावयवता की, ठीक है। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि उसकी श्रृंखला में परिवर्तन आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। देखिए 4 कार्बन को हम सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम एन ब्यूटेन लिखते हैं, जब इसका साधारण नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन ब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है, या ब्यूटेन। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, यदि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको आइसो रूप में। आपको पता होगा जब हमने अभिकर्मक पढ़े थे वहां पे मैंने आपको बताया था ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं आइसो समूह, नियो समूह, ठीक है, इस प्रकार से एल्किल समूह, ये सारे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH, CH3 और CH3, 1, 2, 3 और 4 कार्बन हो रहे हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, 3, 6 और 3, 9 और 1, 10, बस हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो इसका भी सूत्र क्या बन रहा है, C4H10 बन रहा है। और इसके सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसका भी क्या बन रहा है, देखो 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3, 6, 9 और 1, 10, हाइड्रोजन भी 10 है, C4H10 ही इसका बन रहा है, C4H10 ही इसका बन रहा है। लेकिन यहां पर इसका जो नाम बन रहा था वो बन रहा था एन ब्यूटेन या ब्यूटेन, यहां पर क्या नाम बनेगा इसका, ये जो नाम है वो आइसो समूह जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब दूसरे कार्बन से यदि एक कार्बन जुड़ा है, ठीक है, एक CH3 समूह जुड़ा है तो उसे हम आइसो कहते हैं, और यदि दूसरे नंबर के कार्बन से श्रृंखला में दूसरे नंबर के कार्बन किधर से भी हो सकता है, यदि श्रृंखला में दूसरे नंबर के कार्बन से 2 CH3 समूह जुड़े हैं तो उसे हम नियो समूह कहते हैं। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, आइसो समूह होगा, तो आइसो लिखेंगे। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और एल्केन है तो ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम आइसो ब्यूटेन, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पे देखिए सीधी सी बात, दोनों के अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है लेकिन उनकी श्रृंखला में परिवर्तन आ गया है। यहां पर ये ब्यूटेन बन रहा है, यहां पर ये आइसो ब्यूटेन बन रहा है, श्रृंखला में परिवर्तन है, यहां पर ये सीधी श्रृंखला है, यहां पर ये साकेत श्रृंखला बन गई।
यदि हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखें, यदि हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इसको नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ता है, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापी जो है वो ये, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, इधर से करेंगे तो भी दो पे, इधर से करेंगे तो भी दो पे, कहीं से भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबरिंग यदि हम करते हैं तो 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा इसका। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं उसकी स्थिति के साथ में, तो 2 मेथिल कितने कार्बन है, 1, 2, 3। 1, 2, 3 को क्या बोलते हैं, मैथ, एथ और प्रो, एल्केन है तो क्या लग जाएगा, प्रोपेन इन, तो क्या बन जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग नाम हो रहे हैं लेकिन दोनों के अणुसूत्र जो है वो समान है, दोनों के सूत्र समान है, C4H10 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, C4H10। दोस्तों वीडियो में हम ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकते, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, यदि मैं 5 कार्बन की बात करूं, पहला एग्जांपल ये आपको कुछ होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, जो एज आपको होमवर्क आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, यदि आपको कोई डाउट आता है तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, आप फोटो खींचिए, व्हाट्सएप सेंड कीजिए, अपना क्वेश्चन नीचे लिखिए। क्वेश्चन लिखने में भी नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट उसमें रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दीजिए, सर इसमें ये जो हो रहा है या ये जो अभिक्रिया वो किस प्रकार से होगी, तो उसका भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, आप सभी के लिए सुविधा। काफी बच्चे क्वेश्चन अपने भेजते हैं, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अणुसूत्र है, कुछ भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक का, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो एग्रीकल्चर, सभी के आंसर्स एज जैसे ही हम अवेलेबल होते हैं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आपको मैं कुछ होमवर्क के रूप में देख रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ उससे पहले मैं आपसे उनके बारे में पूछूंगा या फिर मैं लाइव क्लास में आपसे पूछूंगा। ओके, चलिए अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि नेक्स्ट है इसमें C5H12 का आपको बनाना है। ठीक है, इसके कितने समावयवी बनेंगे ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ही आता है कि कितने समावयवी बनेंगे। अब इसमें तो एज पॉसिबल यही बन सकता था इसलिए, ठीक है, अब C5H10 है तो उसमें अलग अलग होते हैं, आगे हम जब पूरी समावयवता पढ़ लेंगे, पांचों प्रकार की समावयवता जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ये करेंगे कि एक यौगिक है उससे मैक्सिमम कितने समावयवी उसके बन सकते हैं, क्योंकि एक यौगिक के अंदर ही सारी समावयवताएं हो जाती है, है ना। अभी तो हम क्या सिर्फ एक समावयवता पढ़ी है, तो आपको इसका करना है एक तो C5H10 का, ठीक है, इसका आपको एज ए होमवर्क करना है, आपको ये याद रखना, बचपन में आपको मिलता होगा, अभी भी आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी है किसकी, समावयवता की परिभाषा। समावयवता की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाती है, समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस गुण को या इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रकार, तो समावयवता 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समावयवता व त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो है उसके बारे में हमने अगेन पढ़ा है कि वो अगेन 5 प्रकार की होती है, श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक ज्यामिति श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक मध्यवयवता व चलावयवता। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हो, कैसे कि श्रृंखला है, ठीक है, उसकी अलग अलग स्थिति होती है, श्रृंखला स्थिति और उसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह आते हैं, फिर वो चल के मध्य में चल के वो चला जाएगा, इस प्रकार से कुछ ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, कि श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक मध्य में से चला गया, श्रृंखला की जो स्थिति थी वो क्रियात्मक होके मध्य में से चला गया, श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक मध्यवयवता और चलावयवता, इस प्रकार से 5 के एक सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो। उसके बाद त्रिविम समावयवता थी जो 2 प्रकार की होती है, प्रकाशिक समावयवता और ज्यामिति समावयवता। ठीक है, सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है श्रृंखला समावयवता के बारे में। श्रृंखला समावयवता क्या होती है कि ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण अणुसूत्र जो समान होते हैं, अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण मतलब उनकी जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, जैसे कि C4H10 का एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, ब्यूटेन का, इसमें क्या हो रहा है कि एक तो सीधी श्रृंखला बन सकती है, एक उसमें हम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला बना सकते हैं जो आइसो समूह बनेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर ये मैं बता दूं, थोड़ी सी हिंट दे दूं कि कार्बन अगर 5 है यहाँ पर पॉसिबल होता तो हम नियो समूह भी बनाते हैं लेकिन हमारे पास में कार्बन 4 ही थे तो हम इसमें नियो समूह नहीं बनेगा। और आपको एक चीज और आज के लिए गोल्डन पॉइंट जो है वो याद रखना है कि आइसो समूह जो होता है, आइसो समूह होता है उसके लिए मिनिमम कार्बन की संख्या जो होती है वो 4 होती है, जबकि नियो समूह जो होता है उसके लिए मिनिमम कार्बन की संख्या 5 होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि आइसो समूह के लिए मिनिमम मतलब कम से कम कितने कार्बन, 4 कार्बन होने चाहिए तभी आइसो बनेगा, 4 से अधिक हो बनेगा लेकिन मिनिमम 4 कार्बन पे बनेगा।
और नियो समूह जो है वो मिनिमम 5 कार्बन होना जरूरी है। तो आपके लिए हिंट ये है कि इसमें नियो समूह भी बनेगा, आइसो भी बनेगा और नियो भी बनेगा। सो आपको देखना है किस प्रकार से उनका बनता है और उन दोनों के नाम भी लिखने हैं, उसके बाद मुझे आपको व्हाट्सएप करना है, फिर मैं चेक करूंगा सही है या गलत है, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम आज के लिए इतना ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन था इसका तो चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। कल से हम कल की इस क्लास में सारी जितनी भी संहिता है 5-6 प्रकार के उनको पढ़ लेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम त्रिविम संहिता के दोनों पार्ट्स को पढ़ लेंगे। इस प्रकार से 3 लेक्चर्स में ये हमारी संहिता का जो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जेट ICAR एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इवन हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी है 11th और 12th में। सो आपको अच्छे से क्लियर करना है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली 24/7 कभी भी मुझे फोन कॉल मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, आपको लाइव क्लासेज का टाइम टेबल पता ही है, ठीक है, सुबह 10 बजे होती है, फिर 11 बजे डेली लाइव क्विज होती है, उसको अटेंड करना जरूर, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, बिकॉज उसमें हम वो क्वेश्चन लेकर आते हैं जो अभी तक की कंपटीशन एग्जाम्स में, खासकर जेट ICAR आपके जो एग्जाम है उसमें आ चुके हैं, या पूरी पूरी संभावना रहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनको हम उसमें 11 बजे लेके आते हैं। संडे को मेगा टेस्ट होता है, वो बैच के अंदर ऐप के अंदर होता है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हैं दोस्तों आप लोगों के लिए है, ताकि घर बैठकर आप बेटर से बेटर अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, धन्यवाद, थैंक यू।